हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो इससे पहले जो हमने देखा हुआ है वो है हैलोजनेशन रिएक्शन। अब ये जो हैलोजनेशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपको पता है रिएक्शन विद हैलोजन, ओके। लेकिन रिएक्शन किसकी करनी है? एल्केन की। तो इससे पहले हमने क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, ये जो रिएक्शंस हैं हमने देखे हुए हैं, जिनमें जब एल्केन ये रिएक्ट हो जाएगा क्लोरीन के साथ या फिर ब्रोमिन के साथ, सो उनसे जो प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट वो अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड, ये प्रोड्यूस हो जाएगा, ओके। ये था क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। अब आज हमें देखना है आयोडीनेशन रिएक्शन। आयोडीनेशन रिएक्शन, ओके। हैलोजनेशन में ही एक तीसरा पॉइंट है ये आयोडीनेशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन मींस रिएक्शन विद क्लोरीन, सेकंड वन ब्रोमिनेशन मींस रिएक्शन विद ब्रोमीन, एंड थर्ड वन रिएक्शन विद आयोडीन मींस आयोडीनेशन रिएक्शन, ओके। तो अगर आप कोई अल्केन लोगे, यहां पर हमने लिया हुआ है CH4, यहां पर हमने लिया हुआ है मीथेन हाइड्रोकार्बन अल्केन, और अगर यही रिएक्ट हो जाएगा किसी आयोडीन के साथ, तो इसे थोड़ा अरेंज कर देता हूं, मीथेन मीथेन CH4 CH3H, यानी कि मीथेन ही हुआ, थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं, यानी आपको रिएक्शन इजीली समझ में आ जाए। और इसी तरह से ये आयोडीन, अब यहां पर आप देख सकते हो ये जो आयोडीन है ये हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये आयोडीन की जगह आ जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा CH3+HI, ओके। सो यहां जब आप देख सकते हो अल्केन ये रिएक्ट होगा, अल्केन ये रिएक्ट होगा आयोडीन के साथ, सो यहां पर ये जो आयोडीन है ये हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाएगा, और इस तरह से अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है? तो ये जो HI यहां पर बना हुआ है एज अ बाय प्रोडक्ट HI हाइड्रोजन आयोडाइड, अब ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सो इसी जगह पर क्या होगा, इमीडिएटली जब ये दोनों भी प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी कि ये अल्काइल आयोडाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, ये जब दोनों भी प्रोड्यूस हो जाएंगे सो रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI, ये इस मिथाइल आयोडाइड को या फिर आप किसी भी अल्काइल आयोडाइड यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा उससे ये रिड्यूस कर देगा इमीडिएटली फास्टली, और यहां पर ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन रिवर्स बैक हो जाएगा, यानी ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ओके। यानी फिर से जब ये HI ये जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये अल्काइल आयोडाइड को यहां पर रिड्यूस कर देगा और रिवर्स बैक इस प्रोडक्ट को बना देगा, फिर से ये दोनों रिएक्ट होंगे इनसे ये बनेंगे, फिर से ये दोनों रिएक्ट होंगे इनसे ये बनेंगे, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ये जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन है ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। लेकिन हमें प्रिपेयर करना क्या है? अल्काइल आयोडाइड, क्योंकि इसी के लिए तो हमने ये रिएक्शन ली हुई है। लेकिन यहां पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है CH3I मिथाइल आयोडाइड अल्काइल आयोडाइड ये हमें नहीं मिल पा रहा, क्योंकि यहां पर हमें परेशानी कर रहा है HI जो है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिड्यूस कर देता है अल्काइल आयोडाइड, ओके। सो ये हमें परेशान कर रहा है, तो इसी परेशानी को दूर करना है हमें, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है HI अगर ये प्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हमें जो अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना था वो प्रिपेयर कर लेंगे, ओके। सो यहां पर ये जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इसे अगर प्रोड्यूस नहीं होने देना है तो हमें एक काम करना होगा, इसके अपोजिट जो है इसका जो कॉम्पिटिटर है उसे हमें यूज करना होगा, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी ये रिड्यूस करेगा,
तो इसके अपोजिट जो होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर आप यहाँ पर यूज कर लोगे इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन के समय में अगर आप इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप यूज कर लेते हो, सो यहाँ पर ये जो HI है ये प्रोड्यूस होगा ही नहीं, ये प्रोड्यूस होगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पर हमें जो परेशानी कर रहा था HI, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो यहाँ पर प्रोड्यूस ही नहीं होगा। अगर वो प्रोड्यूस नहीं होगा सो हमें कोई दिक्कत भी नहीं करेगा और जो हमें प्रिपेयर करना था अल्काइल हैलाइड वो हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो एक रिएक्शन आपको दिखाऊंगा, जनरल रिएक्शन 5RH, ये हुआ अल्केन, अल्फा अल्काइल ग्रुप, H फॉर हाइड्रोजन, ओके। और अगर यहाँ पर हमने लिया आयोडीन, जिस तरह से यहाँ पर ले रहे थे हम रिएक्शन उसी तरह से हमें यहाँ पर भी लेना है। और ये आप रिएक्ट कर लोगे HIO3 के साथ भी, यानी कि यहाँ पर हमने हाइड्रो आयोडिक एसिड यानी कि HIO3 जो है हमने यूज कर लिया है HIO3। सो देखिए यहाँ पर क्या होगा 5RH। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आयोडीन 4 है और यहाँ पर 1 है, यानी ये जो 4 आयोडीन है और ये जो 1 आयोडीन है ये सारे के सारे इस जगह पर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पर बन जाएगा 5RR, ओके। फिर से एक बार बता रहा हूं, देखिए ये जो 5RH है यानी कि अल्केन, ये जब रिएक्ट होगा आयोडीन और HIO3 के साथ, HIO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। सो देखिए ये जो एक आयोडीन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स है और यहाँ पर 4 है, 1 + 4 = 5, ये 5 आयोडीन इस 5 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे यानी कि बाहर निकाल देंगे, ओके। और यही 5 हाइड्रोजन इस 1 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा यानी कि यहाँ पर बन गए 6 हाइड्रोजन, 5 + 1 = 6 हाइड्रोजन। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बचे हुए 3। अब 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन से क्या बन सकता है, वाटर। सो इस तरह से आपको जो प्रिपेयर करना था अल्काइल आयोडाइड वो प्रिपेयर हो चुका है। अब यहां पर आप देख सकते हो पहले रिएक्शन में ये जो HI जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI एज अ बाय प्रोडक्ट बन रहा था वो इस रिएक्शन में नहीं बन पाया। अब क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि यहां पर हमने जो उसका अपोजिट में कॉम्पिटिटर है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर यूज किया हुआ है और इसीलिए वजह से ये बन नहीं पाया, ओके। इसे प्रोड्यूस होने ही नहीं दिया, यानी कि यहां पर कोई हमें दिक्कत नहीं होगी, रिएक्शन रिवर्सल नहीं होगी। हमें जो प्रिपेयर करना था अल्काइल आयोडाइड वो हमने प्रिपेयर कर लिया है और इसी रिएक्शन को कहते हैं आयोडिनेशन रिएक्शन। जब अल्केन किसी आयोडीन के साथ रिएक्ट होगा, सो उनसे बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड। बट देयर इज अ वन प्रॉब्लम, देयर इज अ वन थिंग इज वेरी नेसेसरी टू रिमेंबर दैट HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच रिड्यूसेस इमीडिएटली अल्काइल आयोडाइड एंड रिएक्शन गेट बैक रिवर्स्ड। But to prevent this reversal of reaction, you have to use strong oxidizing agent. आपको यहाँ पर strong oxidizing agent HIO3 use करना है, जिसकी वजह से यहाँ पर HI जो है strong reducing agent जो है वो बन नहीं पाएगा और इसीलिए यहाँ पर आपको जो prepare करना था alkyl iodide वो आप easily prepare कर लोगे। So ये हुआ iodination reaction। अब method of preparation of alkyl halide कि एक लास्ट जो पॉइंट है, जो लास्ट टॉपिक है वो बचा हुआ, वो भी देख लेते हैं। फ्लोरिनेशन रिएक्शन, अब फ्लोरिनेशन रिएक्शन किसे कहेंगे? अब देखिए फ्लोरिनेशन रिएक्शन आप यहां पर देख सकते हो, अगर अल्केन आप रिएक्ट करते हो किसी फ्लोरीन के साथ,
तो आप सोचते होंगे यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है वो यहाँ पर जाएगा हाइड्रोजन की जगह और ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन की जगह चला जाएगा। सो यहाँ पर बन जाएगा अल्काइल फ्लोराइड एंड HF। ओके, लेकिन ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में दिक्कत है, तो वो दिक्कत क्या है? RH यानी कि अल्केन जब रिएक्ट होगा फ्लोरीन के साथ, सो ये रिएक्शन जो है ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, यानी कि यहां पर एक्सप्लोजन हो जाएगा और जो कुछ बना हुआ प्रोडक्ट है वो सारा का सारा जल जाएगा। यानी कि यहां पर जो अल्काइल फ्लोराइड आप प्रिपेयर करना चाहते हो वो प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर जब अल्केन और फ्लोरीन ये रिएक्ट होंगे तो इनके वजह से यहां पर एक्सप्लोजन हो जाएगा और इस एक्सप्लोजन की वजह से जो भी चीजें यहां पर बनेगी वो सारी सारी जल जाएंगी। यानी जो प्रॉपर हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना था अल्काइल फ्लोराइड वो आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, और इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन लिया नहीं जाता है, ये रिएक्शंस नहीं लिए जाते, फ्लोरिनेशन रिएक्शन नहीं लिए जाते, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव इन नेचर है, एक्सप्लोजन हो जाता है रिएक्शन के समय पर और जिसके वजह से कुछ हार्मफुल प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो फ्लोरिनेशन रिएक्शन है टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड ये रिएक्शन नहीं ली जाती। ओके, अब ये आयोडिनेशन रिएक्शन हमने लिया है सबसे पहले और उसके बाद फ्लोरिनेशन रिएक्शन। अब फ्लोरिनेशन रिएक्शन और आयोडिनेशन रिएक्शन में आपने देखा है दिक्कतें हैं। आयोडिनेशन रिएक्शन अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली आप रिएक्ट करोगे तो वो रिएक्ट हो जाएंगे, लेकिन उनसे बना हुआ HI जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और वही उसे रिवर्स बैक करेगा, उस रिएक्शन को रिवर्स बैक कर देगा, और यही जो रिवर्स बैक करने की वजह से हमें जो अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना था वो हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए हमें यूज करना है उसका कॉम्पिटिटर एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो उसमें भी एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है कि आपको अल्केन भी यूज करना है, आयोडीन भी यूज करना है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करना है, फिर आपको जो अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना था वो आप प्रिपेयर करो। सो इसके अपोजिट इजी रिएक्शन कौन सी है? फिंगरस्टीन रिएक्शन। इजीली आप वहां पर अल्काइल आयोडाइड जो है प्रिपेयर कर लोगे, कोई भी आप अल्काइल ब्रोमाइड लीजिए, अल्काइल क्लोराइड लीजिए और उसे आप सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कर लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसिड, तो आपको जो अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना था वो आप इजीली प्रिपेयर कर लोगे। सो इसके अपोजिट यूज किया जाता है, आयोडिनेशन रिएक्शन के अपोजिट यूज किया जाता है फिंगरस्टीन रिएक्शन। इसलिए मैंने आपको कहा था फिंगरस्टीन रिएक्शन इज वेरी आईओपी, बार बार उसको क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट वन फ्लोरिनेशन रिएक्शन। अब फ्लोरिनेशन रिएक्शन भी बहुत दिक्कतों भरा है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो यहां पर एक्सप्लोजन हो जाता है और इस उसी एक्सप्लोजन की वजह से हम जो रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करना चाहते हैं वो हम प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो इसी दिक्कत की वजह से हमें लेना पड़ता है रिएक्शन स्वार्ट रिएक्शन। मैंने इसे आपको इससे पहले आपको पढ़ाया है, स्वार्ट रिएक्शन अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही ईजी मेथड और रिएक्शन है, और इसीलिए स्वार्ट रिएक्शन जो है वो यूज कर अल्काइल फ्लोराइड ये प्रिपेयर किया जाता है। सो इसलिए मैंने आपको कहा है स्वार्ट रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो यहां पर रुकेंगे, यहां पर आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है अल्काइल हैलाइड का वो क्लियर हो चुका है। अब आगे के जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन नेक्स्ट।